क्लास 8, वेलकम टू द क्लास। आज हम श्री त्रिलोचन जी की लिखी हुई कविता जिस समाज में तुम रहते हो वो पढ़ेंगे। बच्चों, उसको पढ़ने से पहले हम त्रिलोचन जी के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश में हुआ। साहित्य के क्षेत्र में इनकी विशेष रुचि थी। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं धरती, गुलाब और बुलबुल। इसमें गजलें और रुबाइयां शामिल हैं। दिगंत, उस जनपद का कवि हूं, ये एक सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइंस पोयम। ताप के ताए हुए दिन पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इनकी लिखी हुई कविता जिस समाज में तुम रहते हो। देखो बच्चों, हम सब किसी ना किसी समाज में रहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि व्यक्ति जो है समाज के अंदर रहता है और उसके समाज में संबंध भी सभी से होते हैं, अर्थात व्यक्ति और समाज एक दूसरे के लिए बने हैं। यदि समाज में गति और दूरदृष्टि पैदा करनी है तो हमें समाज का हिस्सा बनना ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति को खुद से प्रश्न पूछना चाहिए कि हम समाज के लिए कर क्या रहे हैं और यह जानना चाहिए कि हम क्या हैं। तो आइए हम जानते हैं, पढ़ते हैं इस कविता को। किस समाज में तुम रहते हो? कवि कहते हैं कि आप और हम समाज में रहते हैं, पर समाज के अंदर रहते हुए हम कैसे रहते हैं? तो पहली चीज उन्होंने बोली है यदि तुम उसकी एक शक्ति हो, यानी समाज में रहते हुए आप एक कदावर व्यक्ति के रूप में या समाज की एक ताकत और शक्ति के रूप में उभरते हो। कैसे? जैसे सरिता की अगणित लहरों में कोई एक लहर हो, मतलब जिस तरह से नदी में अनेक लहरें रहती हैं, उछलती हैं, बहती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, यदि उसी तरह से तुम भी समाज में रहते हो तो अच्छा है। मतलब आप समाज के साथ चलिए। फिर से वही टेक पंक्ति है, किस समाज में तुम रहते हो? यदि तुम उसकी सदा सुनिश्चित अनुपेक्षित आवश्यकता हो, मतलब आप जिस समाज में रहते हो उस समाज को सदा आपकी जरूरत है, सुनिश्चित है आपकी जरूरत, और आपकी जब जरूरत है तो आपको बुलाया ही जाएगा, आपकी कोई उपेक्षा नहीं होगी। कैसे? जैसे किसी मशीन में लगे बहुकलपुर्जों में कोई भी कलपुर्जा हो तो अच्छा है। कवि कहते हैं कि जैसे आपने कोई मशीन ली है, उस मशीन में लगा हुआ पुर्जा छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ तक कि एक छोटा सा पेच ही क्यों ना हो, स्क्रू ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी बहुत आवश्यक है। तो उसी तरह से समाज में आप मशीन में लगे हुए अनेक कलपुर्जों में से एक कलपुर्जे के रूप में हो तो यह अच्छा है। कवि कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि जब आप जहाँ हो और वहाँ पर आपकी जो आवश्यकता है, आपका जो कर्तव्य है, आप उसे निभा दें तो यह बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप समाज की उन्नति और प्रगति में योगदान देने वाले हो। बच्चों, बाकी पोयम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इन दो स्टैंजास को पढ़िएगा। टिल देन, गुड बाय।